जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी रायपुर में इन दिनों मोबाइल चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में रोज ही मोबाइल चोरी की शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। इसी बीच खमतराई थाना क्षेत्र स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी 7 से 8 बच्चों के मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल केंद्रीय विद्यालय में आज 12वीं के छात्र छात्राओं का परीक्षा चल रहा था, जिसके चलते सभी बच्चों ने अपने मोबाइल फोन पार्किंग में खड़े वाहनों में रख दिए थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपी द्वारा गाड़ियों की डिक्की तोड़कर 8 से 10 फोन की चोरी कर ली गई है। मामले में पीड़ित छात्र और उनके परिजनों द्वारा खमतराई थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। रायपुर ग्रामीण एएसपी कीर्तन राठौड़ ने मामले की पुष्टि की है और बताया है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। खमतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत जो सेंट्रल स्कूल स्थित है, उसमें कक्षा 12वीं के बच्चों का एग्जाम था। इसके दौरान बच्चे लोग जो गाड़ियों में आए थे, मोटरसाइकिल पहिया वाहन में, वो बच्चों पार्किंग में खड़े किए थे। इस दौरान अज्ञात आरोपियों द्वारा लगभग 4 मोटरसाइकिल के जो डिग्गे हैं उसको तोड़ करके उसमें 7-8 मोबाइल जो रखे हुए थे बच्चे लोग, उनको चोरी करने करके ले गए थे। जिसकी सूचना दिए जाने पर वो तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित होकर के आसपास के एरिया में मौका का मुआयना किया जा रहा है और प्रकरण में प्रार्थियों के द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में साइबर टीम और क्राइम ब्रांच की टीम भी संयुक्त रूप से जो अज्ञात आरोपी उसके पतासाजी की जा रही है। शीघ्र ही जो आरोपी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैंपस में कुछ फुटेज वगैरह सीसीटीवी आसपास जितने भी फुटेज है, कैंपस में भी कुछ फुटेज है और आसपास भी जो फुटेज है उसको भी लिया जा रहा है और जिसके संबंध में अभी जल्दी हो सकता है उसमें आरोपी की पतासाजी हो सकती है। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर को प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।